गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 साइंस का आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस से पहले आपको रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया था। रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, लाइट का किसी भी मीडियम से आना और स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद उसका उसी मीडियम में वापस पड़ जाना, ये हमारा रिफ्लेक्शन होता है। सेम इसी मैनर में आपने आपको बताना चाहिए कि रिफ्लेक्शन होता है दो टाइप्स का होता है। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं आपके, एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, एक आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसकी सरफेस में रेगुलरिटी होती है। मीन्स एक वो रिफ्लेक्शन जो रेगुलर सरफेस से होता है। रेगुलर सरफेस से मतलब है कि जहाँ पर सरफेस आपकी स्मूथ होगी, चिकनी होगी, टाइल्स वगैरह मिरर वगैरह इस टाइप की स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है आपका, तो क्या होता है आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी आपके अंदर रिफ्लेक्शन पड़े थे वो आपके क्या थे, सारे रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। दूसरी बात, रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद चारों डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट आता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्शन होता है जिसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज होती है। ठीक है, सरफेस में इरेगुलरिटीज मतलब है जिसकी सरफेस आपकी स्मूथ नहीं होती, गुरगुरी होती। ठीक है, ये वो रिफ्लेक्शन जिसकी सरफेस में इरेगुलरिटीज हो, सरफेस आपकी गुरगुरी हो, उस टाइप के रिफ्लेक्शन को आप क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी इस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है जिसकी सरफेस में इरेगुलरिटी होती है आपकी, तब इस कंडीशन में किसी एक डायरेक्शन में आपकी लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक डायरेक्शन में लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है और किसी दूसरे डायरेक्शन में आपकी लाइट कम रिफ्लेक्ट हो पाती है, जिसकी वजह से किसी एक कॉर्नर में आपका ज़्यादा अंधेरा हो जाता है, किसी दूसरे कॉर्नर में आपकी लाइट ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, लाइट ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आपके रिफ्लेक्शन के टाइप है। इसके बाद आता है आपका मल्टीपल इमेज। मल्टीपल इमेज से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इमेज क्या होती है। तो इमेज का मीन्स है कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर भी आकर के मिलती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिलती हैं, उस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है, आपकी इमेज बनती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपका मिरर है और ये आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिले उस पॉइंट पर क्या बनेगी, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट से पहली लाइट आपकी इमेज लेगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट से आपकी इमेज लेगी और रिफ्लेक्शन के बाद ये निकल गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से जो कि दो लाइटें चल रही हैं आपकी, एक का रिफ्लेक्शन यहाँ से हो रहा है, दूसरी का रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो इनके रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट कहाँ मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है। तो इस पॉइंट पर हमारी क्या हो रही है आपकी, इस पॉइंट पर हमारी क्या हो रही है आपकी इमेज, यानी कि ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आपको मिलती है उस पॉइंट पर क्या बनती है, उस ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। हम यहाँ पर नाम देते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम देती है आपको ए बी और इमेज का नाम देती है ए एस बी डी। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पढ़ना है कि मल्टीपल इमेजेस क्या होती है। मल्टीपल का मीन्स होता है बहुत सारी, यानी कि बहुत सारी इमेजों का बनना, एक ही टाइम पर बहुत सारी इमेजेस का बनना। तो जब दो या दो से ज़्यादा मिरर एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर लगा दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा मिरर्स एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर रख दिए जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, तब क्या होता है कि एक मिरर से चलने वाली लाइट रे दूसरे मिरर पर पड़ती है, दूसरे मिरर के बाद वो तीसरे मिरर पर पड़ती है, यानी कि उनका बार बार रिफ्लेक्शन होता रहता है, लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है। तो बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से इस जो ये लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन होता है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा मिरर्स को आप एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर लगा देंगे, तो एंगल पर रखने के बाद लाइट का क्या होगा, बार बार रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि लाइट पहले मिरर से दूसरे मिरर पर, दूसरे से पहले पर, फिर पहले से दूसरे पर, इस तरीके से लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन होता रहता है। तो इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन यानी कि जो बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है, ठीक है, इस मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो बहुत सारी इमेज फॉर्म होती हैं, उन
फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी दो प्लेन मिरर एक दूसरे के सामने रखना और जब आप उन मिरर्स पर देखेंगे तो एक मिरर के अंदर दूसरी मिरर की इमेज, उसके अंदर दूसरे मिरर की इमेज, उसके अंदर भी इमेज, यानी कि एक मिरर किसी भी एक मिरर के अंदर आप देखेंगे तो मिरर के अंदर मिरर की इमेज बनती चली है। वो इमेजें जो बनती है आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही बनती है, ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या हो गया हमारा कि जब दो या दो से ज़्यादा मिरर्स को आप किसी एंगल पर रख देते हैं तो लाइट का बार बार रिफ्लेक्शन होता है, उस बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से मीन मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से क्या बनती है हमारी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं जिसे हम मल्टीपल इमेजेस कहते हैं।